सबसे पहले बात हिमाचल की करेंगे, जहां पर एक लोकसभा और तीन विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में इन उपचुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी की करारी हार हुई है। ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये हार खतरे की घंटी है। जो कमी रही है उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। देश की जनता का और खास करके कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए बजी है खतरे की घंटी। चारों सीट पर उपचुनाव में एक सीट पर भी नहीं जीती बीजेपी। चुनाव हारी बीजेपी ने हार के लिए महंगाई को बता दिया मुद्दा। महंगाई के बारे में मैंने कहा ग्लोबल इशू है, महंगाई का इम्पैक्ट आज की तारीख में है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि भी यही मात्र एकमात्र इसको हम कह रहे हैं कि यही एकमात्र मुद्दा है जिसके कारण ये रही है। हिमाचल में उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को दिवाली से पहले दिवाली मनाने का मौका दे दिया है। मंडी लोकसभा सीट, फतेहपुर, अर्की, जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की। सभी सीटों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है और बीजेपी को नतीजों ने गहरा झटका दिया है। वाहली में तीन विधानसभा के उपचुनाव और एक लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, जिस ढंग से लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, प्रदेश में कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हालात हैं, आर्थिक बदहाली, और सबसे बड़ी बात ये कि इन चार वर्षों में कहीं विकास नजर आया नहीं। मैं तो बार बार चुनाव प्रचार के दौरान ये कहता रहा कि मुख्यमंत्री जी चार बड़े काम बताएं जो उन्होंने इन चार वर्षों में किए हों। लगातार कर्जे का बोझ जो है बढ़ता रहा है और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन मुद्दों को हम जनता तक पहुंचाने में, जनता को कन्विंस करने में, जनता को समझाने में सफल रहे, ये हमारे संगठन की जो एकजुटता है उससे संभव हो पाए। मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 8,000 से ज्यादा वोटों से हरा दी। इसी तरह अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संजय अवस्थी, जुब्बल कोटखाई सीट पर रोहित ठाकुर और फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने जीत हासिल की। हिमाचल में जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यमंत्री अपने चेहरे को आगे रखकर सभी उम्मीदवारों के लिए खूब प्रचार किया, लेकिन जुब्बल कोटखाई में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, जबकि मंडी में राष्ट्रवाद का मुद्दा काम नहीं आया। चारों सीट पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। यहाँ तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारी नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा, तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है। और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बढ़ रही थी, उसका रोष लोगों में था,
और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनादेश दिया। मंडी संसदीय क्षेत्र जहां पर कि अभी तक के इतिहास में पहली बार इतने लो मार्जिन से कांग्रेस की जीत हुई है, जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से भी कम है, और कुछ स्थानों के ऊपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट्स रहे हैं। तो पूरा चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र है, उसकी 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में भी हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार विचार विमर्श करेंगे। अगले साल के आखिर में ठीक ऐसे ही वक्त में 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन ठीक एक साल पहले चुनाव के नतीजों ने जयराम सरकार के लिए खतरे की घंटी अभी से बजा दी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।